अब एक और नई जंग भारत और चाइना के बीच दिखने वाली है, जो कि कोबाल्ट की जंग है। जैसा कि चाइना लगातार पिछले कुछ सालों से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने निगरानी यानी कि जासूसी पोतों को भेज रहा है, जिसके कई सारे अंदाजे अभी तक हम सब लोग लगा रहे थे, जिसमें कि भारत को लगता है कि यहाँ से चाइना भारत की जासूसी कर सकता है। इसके अलावा वो अपने लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता यहाँ से तैयार कर सकता है हिंद महासागर में, यानी कि उसकी मैपिंग कर रहा है। अब दोस्तों, जो मैपिंग वो कर रहा है, उसके पीछे का एक और कारण सामने आया है, वो है कोबाल्ट की खोज करना। हिंद महासागर में कोबाल्ट का बड़ा भंडार हो सकता है और भारत खुद कोबाल्ट की खोज कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट भारत के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोबाल्ट एक वो धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में किया जाता है, और चाइना इस वक्त कोबाल्ट की सप्लाई चेन में सबसे आगे बना हुआ है। भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, इसीलिए भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से जा रहा है, और ऐसे में कोबाल्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट अगर आपके क्षेत्र में मिल गया तो आप उसे डायरेक्टली निकालना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में समुद्र में अगर कोबाल्ट खोजना भी है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी काफी जरूरी होती है। 2024 में भारत ने अपना आवेदन इस अथॉरिटी के सामने रखा था, जिसमें लिखा गया था कि हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास सी माउंट में कोबाल्ट मौजूद है, इसीलिए इसकी खोज की मंजूरी भारत ने मांगी थी। और इस आवेदन को इंडियन गवर्नमेंट की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कि भारत ने हिंद महासागर में कुल 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की खोज की मंजूरी इस सीबेट अथॉरिटी से मांगी है, और इसमें कुल मिलाकर 150 ब्लॉक भी शामिल है, और ब्लॉक में कोई भी जो क्षेत्र है वो 20 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है। जहां पर भारत अंदेशा लगा रहा है कोबाल्ट होने का, वो निकेतन सीमा माउंट मालदीव के पूर्व में और भारतीय तट से लगभग 1350 मील दूर है, और सीबेट अथॉरिटी को यह आवेदन देने के लिए भी 5 लाख अमेरिकी डॉलर का भी भुगतान किया था। लेकिन दोस्तों, भारत का ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो केवल श्रीलंका की वजह से अटक गया, क्योंकि श्रीलंका खुद अब अपने महाद्वीप शेल्फ का विस्तार कर रहा है, जो कि भारत भी करना चाहता है, जिससे कि भारतीय क्षेत्र जल सीमा को समुद्र के नीचे कोबाल्ट के पहाड़ तक ही ले जाएगा। लेकिन चाइना की नजर भी इस धातु पर बनी हुई है, इसीलिए लगातार उसके पोत हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, यानी कि कोबाल्ट को खोजने की होड़ काफी बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि श्रीलंका इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है, और एक रिपोर्ट में खबर भी आई है कि सीबेट अथॉरिटी को लगा है कि निकेतन सीमा माउंट पर दूसरे देश ने अपना दावा किया है, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं बताया। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये कोई और देश नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी श्रीलंका होगा। और यही नहीं दोस्तों, इस अथॉरिटी ने भारत को एक नोट भी भेजा है, जिसका जवाब भारत को देना है। इसके बाद अथॉरिटी ने अब भारत के आवेदन को रोक दिया है। अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो है महाद्वीपीय शेल्फ की, जो कि समुद्र के नीचे उसके भूभाग का किनारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश के तट से 200 समुद्री मील तक की दूरी किसी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र बनती है। ऐसे में दोस्तों, ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन गई है। दूसरी तरफ चाइना हबनटोटा को श्रीलंका से 100 साल की लीज पर ले चुका है। बहुत चीजें हैं जो भारत के कोबाल्ट खोज में बाधा बन रही है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों भारत को अब जियोपॉलिटिकली लेवल पर श्रीलंका को अपने वश में करना होगा। उसे भी कुछ ऐसे लालच दिखाने होंगे जिसके जरिए भारत कोबाल्ट तक अपनी पहुंच बना सके, क्योंकि चाइना अगर इस चीज पर पूरी तरीके से हावी हो गया तो भारत के लिए भविष्य में टेंशन होगी। लेकिन अगर भारत इसे खोजने में सफल हो गया तो चाइना की जो एक बनी बनाई सप्लाई चेन है उसमें एक बड़ा इंटरप्शन यानी कि बाधा आ जाएगी, जिससे कि चाइना को एक बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार।